नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल्स के बारे में, या हमारे बाल क्यों टूटते हैं या झड़ते क्यों हैं, या बालों का वाइट होना क्यों होता है। एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हेयर फॉल्स के बारे में कि क्यों हमारे हेयर फॉल्स होते हैं, या हमारे बाल क्यों झड़ते हैं या क्यों टूटते हैं, या हमारे बाल वाइट क्यों होते हैं। तो इसके पीछे सर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे रीज़न एक, पहले कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पानी कैसा है। दोस्तों पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से भी आपके बाल टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं। वैसे तो फ्लोराइड का अगर देखा जाए तो दांतों के लिए एक अच्छा यूज़ है, लेकिन हमारे बालों के लिए ये ज़्यादा अच्छा यूज़ नहीं होता है, बालों के लिए ये नुकसानदायक है। दूसरा, वहाँ का पोल्यूशन, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पोल्यूशन कैसा है। पोल्यूशन की वजह से भी हमारे बाल बहुत सारे झड़ते हैं, टूटते हैं, और वहाँ के पानी की वजह से भी। अगर दूसरे तीसरे टर्म्स में देखा जाए दोस्तों तो कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ सकते हैं, और हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी बालों में जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं या वाइट हो सकते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों हमारे बाल के झड़ने के। टेंशन की वजह से भी हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, तनाव की वजह से भी झड़ते हैं। अगर हम बालों की अच्छे से देख रेख ना करें, बालों की प्रॉपर सफाई ना करें, उसमें कंघी बराबर से ना करें, तब भी हमारे बाल बहुत सारे झड़ते हैं। तो क्या करें ऐसे केसेस में, क्या यूज़ किया जाए, या किस तरीके से अपने बालों को सेफ और सुरक्षित किया जाए, उसी के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए दोस्तों हम ज़्यादातर लोग प्याज का रस यूज़ करते हैं। प्याज का रस आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है। आप प्याज का रस लगा सकते हैं अपने बालों में, या प्याज का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि मामा अर्थ का हो गया, विन प्रो कंपनी का ओनियन ऑयल हो गया, ऐसे तेलों को आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं। और भी अगर देखा जाए तो आप प्याज के रस को घर पे बना करके यूज कर सकते हैं। प्याज के रस को घर पे बनाने के लिए दोस्तों आप एक से दो प्याज को कट करिए, उसे ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से पीस करके किसी कपड़े में डाल करके उसके रस को छान लीजिए। छानने के बाद दोस्तों उसको सप्ताह में दो से तीन बार लगाएं। अगर आप अल्टरनेट करके लगा रहे हैं, आज लगाएं और कल छोड़ के परसों फिर लगा रहे हैं, एक दिन के अंतराल में अगर आप दोस्तों लगा रहे हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ओनियन ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, इससे आपके बाल टूटना भी कम हो जाता है और नए बाल उगते भी हैं, और बालों का सफ़ेद होना भी कम हो जाता है। दोस्तों आप कोशिश करके कि कोई भी ऐसे शैम्पू का यूज़ ना करें जिसमें फ्लोराइड मिला होता है या जिसमें सल्फाइड मिला होता है। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे शैम्पू आते हैं जिसमें सल्फाइड का यूज़ किया गया है। सल्फाइड को दोस्तों ये आपके प्रोटीन को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, आपके बालों के प्रोटीन को ख़त्म कर देता है। आपके जो बाल होते हैं 91% प्रोटीन से ही बने होते हैं, लेकिन फ्लोराइड और सल्फाइड की वजह से आपके बालों की जो प्रोटीन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, बाल वाइट हो सकते हैं। तो इन केसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आरओ के पानी को बाल को धोने के लिए दोस्तों, और कोशिश करें कि आप ओनियन ऑयल को या प्याज के रस को सप्ताह में दो से तीन बार या चार बार अपने बालों को अच्छे से लगाएं, बालों के जड़ों में लगाएं, और प्रॉपर कंघी भी करें। और देख ले दोस्तों बालों के और अच्छे ग्रोथ के लिए तो आप मार्केट में इवियन नाम की कैप्सूल आती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट जेलेटिन में होता है, उसको भी आप नारियल के तेल में फोड़ करके एक से दो कैप्सूल को सप्ताह में दो से तीन बार लगाएं। विटामिन ए की कैप्सूल से भी आपके बाल झड़ना कम होंगे और बाल वाइट जो हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। और अगर मार्केट में बात कर ले दोस्तों तो ओनियन ऑयल भी आता है, जैसे विन प्रो कंपनी का भी ओनियन ऑयल आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे और भी अलग चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि उसमें ब्राह्मी, भृंगराज, आंवला, बेलपत्र, नीम, सीकाकाई और तिल का तेल भी मिला होता है।
जो कि ऑनियन ऑयल में होता है। आप इसे अपने बालों में सप्ताह में 2 से 3 बार लगाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज कुछ बातें ऑनियन ऑयल या प्याज के रस के बारे में, जो आपके बालों को टूटने से, झड़ने से रोकने में मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करिए, अगर कोई आपको सवाल है तो हमें कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर दोस्तों आप हमारे नए चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।